आपको बता दें कि प्रकाश चंद्र आर्या उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। वह कांग्रेस से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। उनके बड़े भाई स्वर्ग आनंद आर्या, जो कि पूर्व में कांग्रेस से ब्लॉक प्रमुख खटीमा व ओखल कांडा के ब्लॉक प्रमुख रहे, और प्रकाश चंद्र आर्या आज एससी समाज के अंतर्गत एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं और एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ रहता है। एससी समाज के एक उभरते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एससी समाज की समस्याओं को हमेशा सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखते हुए उनके द्वारा एससी समाज के सैकड़ों लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ का भाजपा की सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। धरातल में जो कार्य कर रही है उसको देखते हुए भाजपा ज्वाइन किया है और धामी जी का समाज और कार्यों के लिए बड़ा अच्छा नेचर रहा है और समाज के कार्यों को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार के काम हैं उसको धरातल में जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 5ों सीटों पर विजय होगी, ये मेरा मानना है। और अच्छे मतों से वजह होगी, जनता की आवाज़ जाएगी, 400 पार होंगे और उत्तराखंड में 5ों सीटें विजय होंगे और 5 लाख से ऊपर सीटों का जीतने का आंकड़ा। देखिए, ऐसा है जो बीजेपी के कार्य हैं वो दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस में अभी जो काम है वो जहाँ के तहाँ ठप पड़े हुए हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। हमारे गाँव का मुद्दा है कोई देखने नहीं आता है, कई जानवरों का भी मुद्दा है, शेरों का मुद्दा है, कई लोगों को मार दिया गया। कई बार हमने अपने प्रतिनिधियों से कहा कि भाई आपको हम सपोर्ट करते रहे बरसों से, आप हमारी कुछ बातें सुन लीजिए, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं है। तो देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इनका रवैया ठीक नहीं हो रहा गाँव के प्रति। तो हमें अपने गाँव का विकास चाहिए, अपना विकास चाहिए, अपने लोगों का विकास चाहिए और ये सब कुछ देखने को भाजपा में हमें मिल रहा है। इसलिए हमने अपने अपने समाज के अपने गांव के विकास के लिए आज भाजपा का दामन थामा है। पाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से विकास कार्य हो रहा है उस तरह से हमारा भी, हमारे गांव का भी, हमारे समाज का भी विकास होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।